दोस्तों बजट 2024 में कई चेंजेस आए हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस इनकम टैक्स में कुछ इस तरह से है। न्यू टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है और फैमिली डिडक्शन को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। न्यू टैक्स रिजिम स्लैब में कुछ चेंजेस आए हैं, वो चेंजेस कुछ इस तरह से है। 0 to 3 lakh नील रेट, 3 lakh टू 7 lakh 5%, 7 lakh टू 10 lakh 10%, 10 lakh टू 12 lakh 15%, 12 lakh टू 15 lakh 20% और 15 lakh एंड अबाउ 30% कर दिया गया है। और बुरी खबर यह है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A को बढ़ाकर 15% से 20% कर दिया गया है और वही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A को 10% से 12.5% कर दिया गया है और वही सेक्शन 112A की लिमिट 1 lakh से बढ़ाकर 1.25 lakh कर दी गई है। और एक बुरी खबर यह है कि जो सेक्शन 112 के तहत इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिला करता था, वो बेनिफिट हटा दिया गया है, यानी आगे से इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और वही फ्यूचर केस में एसटीटी को 0.0125 से बढ़ाकर 0.02% कर दिया गया है और ऑप्शन के केस में एसटीटी को 0.0625 से बढ़ाकर 0.1% कर दिया गया है। पार्टनरशिप फर्म वालों को ये बुरी खबर है कि एक नया सेक्शन 194T इंसर्ट किया गया है, जिसके तहत पार्टनरशिप फर्म जो भी पार्टनर को पेमेंट करेगी 20,000 के ऊपर, उस पर 20%, जी हाँ 20% TDS काटना होगा। और इसके अलावा TDS में कुछ चेंजेस आए हैं। सेक्शन 194D इंश्योरेंस कमीशन, सेक्शन 194DA LIC पेमेंट, 194G लॉटरी कमीशन, 194H कमीशन, 194IB रेंट पेमेंट, 194M पेमेंट टू रेसिडेंट कॉन्ट्रेक्टर TDS जो रेट थी 5% से 2% कर दी गई है। और इसके अलावा सेक्शन 194O ई कॉमर्स पेमेंट का TDS रेट 1% से 0.1% कर दिया गया है। और दोस्तों याद रहे 31 जुलाई लास्ट डेट है आपकी ITR रिटर्न फाइलिंग की, तो लेट फी और पैनल इंटरेस्ट से बचने के लिए ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करें और इसी तरह की रेगुलर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल टैक्स इन्फो को जरूर सब्सक्राइब करें।